सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से आ गए हैं बोटेनिकल फॉल्स। एक बार पहले भी हम यहाँ पे आए हैं, एक डेढ़ साल पहले, तो बहुत टाइम हो गया है। उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा था, अभी पानी का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी फ्लो है। तो बेंगलोर से हमको हमारे घर से 110-115 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। और यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर पहले बताया था क्लियरली, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक डाउट रहता है लोगों की, कितना पैसा लगता है। हमारे कमेंट्स में पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा था। तो अगर आप नॉर्मल टिकट लेके और ऊपर से ही अगर फॉल्स को देखना चाहते हो तो 750 का चार्ज है, चार लोगों का, एक ओरेकल में एक बोट के अंदर चार लोगों को इधर से उधर लाएगा जाएगा बंदा, 45 मिनट्स का ओवरऑल टाइम लगेगा और आपके 750 रुपीज़ लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको नीचे से पूरे फॉल्स में ओरेकल राइड करनी है तो उसमें वो आपको बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि आप चार लोगों तो दो बोट लगेगी, झरने के नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह, तो वो सब फालतू बातें हैं। 1500 रुपये आपसे मांगेंगे वो, उसमें आपको बोलेंगे कि 2 किलोमीटर का राउंड लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, तो वो ज़रूरी हो तो करो, वरना बहुत कॉस्टली है ये। एनीवे 750 ऑल्सो बहुत कॉस्टली, 70 रुपीज़ हमको एंट्री और पार्किंग का चार्ज भी लगा है यहाँ पे। हम थोड़ा सा शाम के टाइम पे आए हैं, अगर मॉर्निंग में आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम भीड़ मिलेगी और आपको थोड़ा ठंडे टाइम में इन्जॉय करने को मिल जाएगा। अभी मई की वजह से मौसम भी गर्म हो गया है, जब हम इसके पहले आए थे वो अगस्त सेप्टेम्बर में आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था, पूरा मिस्टी और फॉगी नज़र था चारों तरफ, वो काफ़ी अच्छा था। फॉल में पानी भी बहुत ज़्यादा था, अभी काफ़ी कम है पानी, नीचे तक राइडिंग जो बताया कि नीचे भी राइड हो रही है तो वो अब हो रही है, तब जब पानी ज़्यादा होता है तब आप नहीं राइड कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे लोग नहा रहे हैं, तो ये लोग बड़े मज़े से नहा रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये एक हैंगिंग ब्रिज है, यहाँ का 10 रुपये चार्ज है, नहाने का तो पता नहीं बट यहाँ का 10 रुपये चार्ज है, तो यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो। हालांकि जो मेन व्यू है वो आपको बोट 750 वाली करके ही जाके देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ का सब स्ट्रक्चर वगैरह है। हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या रास्ता रूट हमने लिया, ये सब हमको आपको आगे वीडियो में बताते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए खाने के ऑप्शंस बैंगलोर से होबे निकल के रास्ते में थोड़े से कम है, हालांकि आपको रास्ते में A2 भी मिल सकता है और एक दो खाने के ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट वगैरह, पर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बैंगलोर से निकलने के पहले ही अपना स्नैक्स वगैरह कंप्लीट कर लो या फिर अपने स्नैक्स साथ में कैरी करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिर भी थोड़े बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इवन आप यहाँ पर भी आओगे तो आपको फ्राइड फिश फ्रेशली यहाँ से पकड़ी हुई ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। तो चलो फिर अब यहाँ से हम निकलते हैं। एक्चुअली हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना तो वो जो राइड वाले बंदे होते हैं उन्होंने बहुत एकदम से हमको घेर लिया, सारे ये पैसे ले लो सर, टिकट तो ले लो, ये कर लो वो कर लो, तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए ये हैंगिंग ब्रिज पे आए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम सोचने समझने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम नीचे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी पानी का फ्लो थोड़ा सा है, तो हम वो 750 वाली राइड लेंगे जो हमने पहले भी ली है, ऊपर ही फॉल रहेगा, ऊपर से हम फोटो वगैरह लेंगे, 40-45 मिनट का वो पूरा सेशन रहता है, वो कंप्लीट करेंगे और फिर निकलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, हो सकता है हमारा अगर मूड चेंज भी हो तो हम नीचे भी जाएंगे। एक पिताश्री, एक माताश्री, एक ड्राइवर साहब, एक मैडम। अभी भी काफ़ी अच्छा मौसम है, वैसे अच्छा काफ़ी पानी है, मतलब
तो यार बहुत देर के डिस्कशन और सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नीचे नहीं जाएंगे। नीचे के चार्जेस वगैरह मैं सब बताता हूँ। इसके पहले मैंने आपको 1500 रुपये बताए थे, बट 1500 की जगह यहाँ पे 1000 में भी मान जाते हैं लोग। और थोड़ा नेगोशिएशन करोगे वो आपके जो भी बंदे के साथ जा रहे हो ना उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। देखो मेरे को क्या लग रहा है कि क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम ख़त्म होने वाला है, अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से प्राइस कम है। लेकिन अगर आप पीक टाइम पे हो 3 बजे या उसके पहले करीब ना, तो हो सकता है कि आपको फिक्स प्राइस 1500 देना पड़े। 750 की जो टिकट है वो गवर्नमेंट कटती है, इसके अलावा जो 1500 का जो चार्जेस है ना, वो आप जिस भी बंदे के साथ आ रहे हो, जो भी बोट के साथ आ रहे हो, आपको उसको देना होता है। तो वो बोट पर्सन के चार्जेस होते हैं बेसिकली। देखो ये यहाँ से बोट ये ऐसे स्टेयर्स है, यहाँ से नीचे आके तो यहाँ से उतर के तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। एक रास्ता इधर जाता है, एक इधर जाता है, मेन झरने उधर है। एक जगह पे रुके थे जहाँ से वाटरफॉल दिख रहा था, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये तो हमको स्टेज दिख गई, तो हम देखने के लिए आ गए कैसा क्या है। चलो आपको मेन पूरे जितने झरने रहते हैं वो दिखाते हैं। फॉल में आगे तक हम घूम के आ गए हैं, आधा पौन घंटा हो गया हमको। अब जा रहे हैं वापस उसी जगह पे जहाँ पे डोंगी ने हमको छोड़ा था, जो कोरेकल है ना, उसने हमको छोड़ा था। तो अभी पता है क्या हुआ, हम जिस भैया के साथ आए थे वो भैया गायब हो गए। गायब क्या हो गए, हमको मिल नहीं रहे, तो हम सब परेशान हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। आखिरी में मिले थे जहाँ हम पत्थर पे पीछे खड़े थे, पर अभी पता नहीं कहाँ है, तो देखते हैं। मिल गए, वो जा रहे। लास्ट टाइम जिनके साथ आए थे ना, वो भैया भी दिखे थे हमको, और ना उनको हिंदी नहीं आती थी और हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। हम साइन लैंग्वेज में कुछ कुछ बात किए, कुछ मतलब समझे वो, कुछ हम समझे। अभी बोट घूमेगी, अभी बोट ये वाली घूमेगी। और आपको हमारा पुराना वीडियो देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हो। और एक पाँचवा मेहमान भी हमारे साथ। पिछली बार इसने पानी को हाथ नहीं लगाया था ढंग से, पिछली बार से आ रहे कभी तैयार नहीं हम दो लोग थे ना। हाँ। चलो दो पेड़ दूसरे उग गए, पेड़ में से दो दूसरे पेड़ उग गए। हाँ ये दूसरी जाति का पेड़ है, बहुत पुराने पेड़ है, बहुत सुंदर जगह। हम निकल चुके हैं रोहिणीकल फॉल से वापस बैक टू होम। मैं हमारी गाड़ी हमने साइड में लगा दी है, तो हमने सोचा आप थोड़ी सी बात कर ले शांति में, क्योंकि वहाँ बहुत शोर था, बहुत ह्यूमिडिटी थी और बहुत भीड़ थी। पानी गिर गया ना 4-5 दिन, थोड़ा सा अच्छे से बारिश हो गई है, तो फॉल में भी पानी अच्छा मिल गया हमको, और इसी वजह से बैंगलोर की भीड़ भी यहीं मिली है। खैर बाकी चीज़ें छोड़े, तो अगर हम बात करें आज के दिन की, आज हमारा दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है। हमने उम्मीद नहीं करी थी कि मई के मौसम में हम इतने अच्छे से टाइम यहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे, पानी इतना मिलेगा। हम कब निकले थे घर से? हम घर से 12 के आसपास निकले थे, 12 के आसपास निकले, लेट निकले। थोड़ा गर्मी का मौसम है तो गर्मी के टाइम में निकले। खैर कार के एसी में प्रॉब्लम नहीं आई, बट हम थोड़ा लेट निकले। बट हमको पता था कि हमको यही करना है, सिर्फ यहीं जाना है। तो 3 घंटा आपको बेंगलोर से लगता है आने में, कम से कम 110-115 किलोमीटर पड़ता है। तो 3 घंटे के हिसाब से हमने सोचा कि 3 घंटे में पहुंचेंगे, 1-2 घंटे और स्पेंड करेंगे यहाँ पे और फिर रिटर्न हो जाएंगे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम हमारे पास था, थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा गड़बड़ इस हिसाब से हुआ। यहाँ पे आप अगर किसी से बात कर लो ना बाहर सिटी के साइड में या फिर मेन टिकट काउंटर के पहले, तो वो पीछे पड़ जाते हैं आपके, और
थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर तो है बट दैट इज़ ओके, बट वो पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो एक्सपीरियंस ख़राब होता है क्योंकि आप आए हो छुट्टी बनाने और वो बोलते हैं कि यार हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो, मैं ले जाऊँगा, टिकट पे चलो, टिकट कटवा लो, तो उनको सिर्फ उनकी कमीशन की पड़ी रहती है। तो थोड़ा केयरफुल रहें और मना कर दें जब तक आपको डिसाइड नहीं हो, जब तक आपको ये नहीं पता हो किसके साथ जाना है, मना कर दें साफ साफ, उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। एक चीज़ और बोलनी थी कि आज हमारा पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था, इस बार हमें एक छोटी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मे बी वो रेयर है किसी के साथ ना हो। आज क्या हुआ, हमको एक सिटी में ही हमको एक्चुअली पार्किंग का समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने एक दुकान में जाने की कोशिश करी, इसी बीच कोई एक रैंडम इंसान आके बाइक से खड़ा हो गया, तो वो रैंडमली आके हमसे बात करने लगा कि यहाँ पार्किंग में लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। फिर भी हमने हमारे हिसाब से पार्किंग में लगाया, उसको कई बार मना करा हमें नहीं जाना है, आप मत आओ, पीछे मत आओ। फिर बहुत सारे उसके एक्सपीरियंस बहुत घुमा फिरा के बात करना, बोला नीचे तक ओरेकल राइड में आप चार लोग हो तो दो लोग, दो बोट लगेगी आपको, दो दो करके बिठाएंगे, दो बोट यानी 750 प्लस 750 का चार्जेस आपको अलग से लगेगा, इसके अलावा 1500 पर बोट का आपको चार्ज लगता। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जिस बंदे, वो बंदा खुद से हमको आके कॉन्टेक्ट किया, फिर वो पीछे पीछे होने लगा कि आप दो राइड ले लो, नीचे जाने के लिए आप चार लोग हो तो दो राइड लगेगी, पर राइड का 750 तो लगेगा ही लगेगा, फिर पर राइड का अगर आप नीचे जाते हो तो 1500 लगेगा। तो ऐसे कुछ कुछ हमको घुमाने की कोशिश कर रहा था। चलो वहाँ तक भी ठीक है, हमको एक तो एक्सप्लोर नहीं करने दिया, हम वो हैंगिंग ब्रिज में जा रहे थे या कहीं भी जा रहे थे तो सबसे पहले सर टिकट ले लो, टिकट ले लो, चलो ठीक है वो उनका काम है, समझ में आता है। फिर क्या हुआ कि हम जब रिटर्न हो रहे थे, फिर हमने एग्री कर लिया कि हम ऊपर एक राइड करते हैं और ऊपर वाली राइड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे टाइम कैसा क्या बचता है, नीचे जाना है कि नहीं जाना है। तो जब हम राइड लेने ही जा रहे थे, टिकट कटवाने जा रहे थे ना, तो उस बंदे को थोड़ा सा अनयूजुअल उसका बिहेवियर नोटिस में आया, उसको आइडेंटिफाई ये हम कर पाए कि वो शायद ड्रंक था या कुछ तो नॉर्मल नहीं था। तो फिर हमने उसका पोज करा और टिकट काउंटर के पास जाके, और फिर वो जो बंदा जो काउंटर वाला था उसने किसी और बंदे को असाइन करा। तो ऐसा भी होता है, आप जिसके साथ जा रहे हो, एक तो ये थोड़ा सा रिस्की जगह भी है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना कि आप किसके साथ जा रहे हो, वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये रहा, बाकी हम फिर जिस बंदे नेक्स्ट जो बंदा हमको अलॉट किया गया जिसके साथ गए, तो वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बाकी स्मूथ रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी बज रही है 6:03 कुछ लगेंगे हमको पहुंचने के लिए घर। तो ये वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।